नमस्कार, पीएमई विद्या चैनल नंबर 5 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आपसे मिलते के साथ ही, आपसे मुखातिब होते के साथ ही, हम आपका हालचाल जानना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं और हम ये जानते भी हैं कि जब जब आप और हम मिलते हैं तो हमारे जो हालात हैं या हमारी जो सेहत है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ हमारी जो नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो कुल मिलाकर चीजें हमें बेहतर बनाती हैं। बहरहाल, आज का जो हम विषय लेकर आए हैं वो क्लास 5 के लिए लेकर आए हैं, और नज्म जो है आज नज्म हमारी है दरिया किनारे चांदनी, जिसे आपके सामने पेश करने वाले हैं मोहम्मद फारूक अंसारी साहब, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज NCERT से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। जी सर, आज की जो हमारी नज्म है दरिया किनारे चांदनी, जी नाम से ही लग रहा है नज्म बहुत अच्छी होगी और ये हम बिल्कुल सुनेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले इस नज्म के बारे में कुछ खास हमें बताएं, खास तौर पर ये कि इस नज्म के शायर कौन हैं, जरा ये भी हमें बताएं। दरिया किनारे चांदी जो है बहुत मशहूर और बहुत प्यारी नज्म है, और इसके शायर हैं अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी की पैदाइश जो है वो 1905 में टोंक जिले में हुई, जो राजस्थान का एक जिला है इस वक्त, और उस वक्त जो है एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, टोंक रियासत के नाम से मशहूर थी, रकबे के एतबार से देखें तो। अच्छा, बहुत टोंक रियासत हुआ करती थी, कभी रियासत थी। ओके। रकबे के यानी एरिया के हिसाब से बहुत कम, छोटी रियासत थी, खुशहाली के लिहाज से भी कम दर्जा थी, लेकिन वजहदारी, तहजीब और शोहरत के लिहाज से बात की जाए तो वो बहुत बुलंद थी, यानी बहुत उसका नाम है। तो उसी में उनकी पैदाइश हुई थी 1905 में। उनका पूरा नाम था दाऊद खां, और उनके जो वालिद थे वो उर्दू के बहुत मशहूर रिसर्चर रहे हैं, हाफिज महमूद शीरानी, जिन्होंने गालिब पर काफी काम किया है, गालिबियात के अलावा और भी बहुत सारे मौजूदात पर उन्होंने काम किया। तो वो उस वक्त लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में जो है उस्ताद थे। तो अख्तर शीरानी की जो तालीम और तरबियत है वो लाहौर में ही हुई, और बाद में फिर वहीं पर जो है मुख्तलिफ रिसाले की उन्होंने इदारत की, यानी एडिटर की हैसियत से काम किया, जिनमें से मशहूर हैं हुमायूं, शाहकार, इंतखाब, अच्छा, और ख्यालिस्तान वगैरह वगैरह, और भी बहुत से रिसाले जी, थे जी, जी। तो जिसमें उन्होंने काम किया, और बहुत कम उम्र में, यानी महज 43 साल की उम्र में 1948 में उनका इंतकाल हो गया। तो इतने कम वक्त में उन्होंने जो शेरी सरमाया छोड़ा है वो बहुत जखीम है, काफी उन्होंने रोमानी शायर की हैसियत से उनको हम सब याद करते हैं, और उनके शेरी मजमुओं में अगर हम बात करें तो फूलों के गीत है, शेरिस्तान है, अख्तरिस्तान है, सुबह बहार है, नगमे हरम वगैरह वगैरह, ये जो है वो उनकी शायरी के मजमुए हैं जो शायर हुए हैं। वैसे कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो वो एक रोमानी शायर थे, यानी रोमानियत का ये है कि ज़मीन और जो उसका हुस्न है, उसकी जो खूबसूरती है, वो उसके आसपास ही वो तमाम मौजूदात थे, यानी उसके गिर्द ही उनके तमाम वो मौजूदात रहते थे, और यही वजह है कि उनकी जितना भी कलाम है वो हमें बहुत मानूस मालूम होता है, यानी हमारे इर्द गिर्द के माहौल से वो ताल्लुक रखता है। बहरहाल, चूंकि जब बड़ी जमात में जाएंगे तब रोमानियत की तफसील जी, जी, से बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो ये जरूर जानना चाह रहे हैं सब लोग कि नज़्म में क्या कुछ खास है। और दूसरी जो उनकी नज़्मों की खूबी है वो है हुब्बुल वतनी, जिसको आप कहते हैं पैट्रियटिज्म, अच्छा, वो है, और उनसे ये अंदाजा होता है कि किस तरह से वो अपनी जमीन से मोहब्बत करते थे, और इसके लिए वो किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार करते, और बहुत सारी नज़में ऐसी हैं उनकी जो निसाब में शामिल हैं। बड़ी जमातों में जाएंगे तो उनकी एक और नज़्म है, ओ देश से आने वाले बता, ये नज़्म भी जो है दूसरी जमातों में शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हैं, और ये जो नज़्म है दरिया किनारे चांदनी उसी फितरत के बारे में है, हाँ। कि किस तरह से चांदनी की खूबसूरती क्या होती है, किस तरह से और दरिया के किनारे वो क्या मंजर है उस चांदनी रात में, तो वो बयान किया गया है। जी जी जी, तो शुरू करते हैं हम, जरा देखिए नज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले, नज्म से पहले दो एक चीजें हैं जिस पर बात
करना चाहेंगे, जैसे कि चांद की बात की गई है, चांदनी की बात की गई है, तो चांद को हम शायर बहुत सारे शायरों ने जो है इसका मौजू बनाया है, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसका जो रोशन नजारा होता है उसकी वजह से, तो कसरत से जो है वो शायरी का मौजू जो रहा है, और उसी चांद का जो रोशनी का जो अक्स पड़ता है, जो मुनाक्स होता है यानी रिफ्लेक्शन जो होता है, वही चांदनी होती जी, है जिसको हम कहते हैं, और उसकी बहुत सारी खूबियां हैं जिसको आगे चलकर जिस पर हम बात करेंगे। नज्म यहाँ से शुरू होती है, क्या छा रही है चांदनी, इठला रही है चांदनी, दरिया की एक एक लहर को लहरा नहला रही है चांदनी, लहरा रही है चांदनी, यानी क्या छा रही है चांदनी, इठला रही है चांदनी, दरिया की एक एक लहर को नहला रही है चांदनी और लहरा रही है चांदनी। देखिए, नहलाना लहराना ये एक अपने आप में एक रिदम, इस तरह के अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं, और कोई भी मुश्किल लफ्ज इसमें नहीं नजर आता जो समझने में हमें दुश्वारी हो। तो इसलिए बहुत ही आसान और बहुत ही मुतरन्नम जिसमें कह सकते हैं वो अंदाज है इस पूरी नज्म का। अगला मिसरा है, दरिया किनारे देखना, पानी में तारे देखना, तारों को दामन में लेके क्या क्या नजारे देखना, दिखला रही है चांदनी। चांदनी के देखिए एक और खूबी ये है कि दरिया के किनारे, अगर हम वैसे तो हम उसको पहाड़ों के दरमियान भी देखते हैं, मैदानों में भी देखते हैं, रात के वक्त जो है अगर हम खुले आंगन में सो रहे हो या छत पर सो रहे हो तो वहां भी देखते हैं, लेकिन दरिया के किनारे जब हम चांदनी देखते हैं तो उसका एक अलग मंजर है। तो ये वो तमाम मंजर जिस तरह से हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। अब जैसे पानी में तारे देखना, तारों को दामन में लिए क्या क्या नजारे देखना, कितनी खूबसूरत बात कही गई है कि पानी में तारे देखना, जो सितारे हैं तारे हैं उनका अक्ष जो है वो पानी में नजर आ रहा है, और तारों को दामन में लिए, यानी दामन जो है किसका है, उस पानी के दरिया का जो है वो दामन है, उसमें तारों को उसने समेटा हुआ, क्या क्या नजारे देखना, और ये तभी नजर आता है जब वो चांदनी मौजूद हो, यानी चांद की रोशनी वहां पर मौजूद हो, वरना तो नजर ही नहीं आएगा ये मंजर। तो दिखला रही है चांदनी, कौन दिखला रहा है, चांदनी दिखला रही है। तीसरा बंद है इसका, ठंडी हवा खामोश है, उजली फिजा खामोश है, खामोश है सारा जहां, हर एक सदा खामोश है, और छा रही है चांदनी, यानी ठंडी हवा जो उस वक्त की हवा है, दिन की सूरज की रोशनी में क्या होता है, हवा गर्म होती है, और उसके बाद रात को जिस तरह चांद को तो वैसे ही कहा जाता है ठंडक देता है, ठंडक देता है, बहुत इत्मीनान महसूस, सुकून महसूस होता है, क्योंकि चारों तरफ सुकूत का आलम होता है, खामोशी सी छाई होती है, तो वो फिजा जो होती है, वो जो माहौल है वो बहुत ही खुशगवार मालूम होता है। तो ठंडी हवा जो उस वक्त है वो भी खामोश है, बिल्कुल उसमें कोई इस तरह की आवाज नहीं है, शोर शराबा नहीं है किसी तरह से, उजली फिजा खामोश है, यानी उजली जो फिजा है, माहौल जो मंजर है वो रोशन है, चमक तो है नजर आ रहा है लेकिन बिल्कुल खामोश नजर आता है, खामोश है सारा जहां, हर एक सदा खामोश है, सदा कहते हैं आवाज, तो हर एक आवाज भी खामोश है, मतलब इस हद तक इत्मीनान सुकून है, सुकूत है कि हर एक चीज जो है वो अपनी जगह रुकी खामोश नजर आती है, और छा रही है चांदनी, यानी सिर्फ और सिर्फ चांदनी का ही एहसास हो रहा है कि वो इस तरह से छाई हुई है। अगला बंद है, ऐ लो वो बदली आ गई और चांदनी पर छा गई। बाहर निकलने के लिए फिर आई, फिर कतरा गई, घबरा रही है चांदनी, यानी अचानक एक बदली आ जाती है, बदली किस पर आएगी, चांद के ऊपर आएगी, तो वो जो चांदनी है, जो वो रोशनी है वो ढक जाएगी, थोड़ी देर के लिए ढक जाती है, तो चांदनी पर वो छा जाती है, यानी चांदनी के ऊपर पूरा उसका इख्तियार हो जाता है, छा जाती है, और बाहर निकलने के लिए फिर आई, फिर कतरा गई। अक्सर आप वो मंजर देखिए जब बादल चांद के ऊपर से गुजर रहे हो, तो कभी रोशनी
नहीं नजर आती, तो वो जो मंजर है फिर आई, फिर कतरा गई, कतरा गई मतलब आते आते फिर वापस चले जाना या रास्ता बदल लेना इस तरह से। तो ऐसा लगता है कि घबरा रही है चांदनी, यानी जो चांदनी है वो भी घबरा रही है। तो वो जो मंजर है किस खूबसूरती के साथ जो है वो बयान किया गया। आखिरी बंद इसका ये है कि लो रात के मंजर चले, मंजर यानी जो नजारे हैं, क्या हो है ना, लो रात के मंजर चले, तारे भी घुल घुल कर चले, बैठे हुए यहाँ क्या करें, अख्तर हम अपने घर चले, अब जा रही है चांदनी। बहुत खूब, यानी रात का जो मंजर है वो अब ये जो मंजर है खत्म होने वाला है, यानी चांद भी अब जा रहा है, डूब रहा है या गुरूब हो रहा है जिसको आप कहेंगे, छिप रहा है। तो वो जो मंजर है रात का, यानी आखिरी पहर होने को आ गई, तो चांद भी वहां पे जा रहा है जिसकी वजह से रोशनी खत्म हो रही है। दूसरी चीज, तारे भी घुल घुल कर, तारे क्या हुए, घुल गए, यानी एक इस तरह से एक वक्त था जब तारे बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे और धीरे धीरे घुल घुल सब अपनी अपनी जगह पर अब चले चले। अब वो खुद अपने आप से कह रहा है कि बैठे हुए यहाँ क्या करें, यानी अब कोई ऐसा मंजर तो रहा नहीं जिसको हम देखें या जिसका हम इंतजार करें, जिसके लिए बैठे, अख्तर हम अपने घर चले। अख्तर तखल्लुस है यहाँ पर, शायर का अख्तर शिरानी जो तखल्लुस करते थे, अख्तर, अख्तर हम अपने घर चले, अब जा रही है चांदनी, यानी अब चांदनी भी जा रही है, अब हम भी अपने घर की जानिब चलते हैं। तो ये वो पूरा मंजर है कि किस तरह से चांद नजर आता है और उस चांद की रोशनी जो है किस तरह से चीजों पे पड़ रही है और किस जज्बात के साथ, किस ख्याल के साथ हम उनको कबूल कर रहे हैं, देख रहे हैं और फिर उसका इजहार कर रहे हैं, इजहार भी कर रहे हैं और उसे महसूस भी कर रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से चांद की जो चांदनी है। देखिए बहुत ही बेहतरीन ये नज्म कही जाए, दरिया किनारे चांदनी, जिसे अभी मोहम्मद फारूक अंसारी साहब ने आपके सामने रखा है। तो इसमें बताया गया है कि चांदनी का कितना इम्पोर्टेंस होती है, कितना कितना मतलब दिल को सुकून देने वाली होती है, और ऐसे में कोई भी शायर अगर हो तो वो अपने अल्फाजों को रोक नहीं सकता है, वो कोई ना कोई एक नई नज्म जो है ऐसे मंजर को देखकर क्रिएट कर देगा, शायद मैं गलत नहीं हूँ। चांदनी की खूबी यही है कि बहुत सारी चीजें अल्फाज अपने आप बनने लगते हैं, बिल्कुल, न सिर्फ शायर बल्कि कोई भी जिसको फितरत से, जिसको कुदरत से थोड़ी नीचे से लगाव, मोहब्बत, लगाव है, वो जरूर इससे लुत्फ हासिल करता है और फिर अपने अंदाज में उसको कबूल करने, उस पर गौर करने और फिर उसका इजहार करने पर मजबूर हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, सिर्फ इसका कहने का मकसद ये है कि देखिए कुदरत ने क्या क्या हमें तोहफे दिए हैं, किस किस तरह के मंजर हैं जो हमें उसने मुफ्त फराहम किए हैं। तो जो नेचर ने हमें गिफ्ट दी है, उसको हमें कबूल करना चाहिए, उसकी कद्र करना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी खूबी है। अगर और तफसील में जाकर आप बात करें तो चांद के हवाले से बात करते हैं कि चांद की क्या क्या खूबियां होती हैं। चांद जाहिर है जमीन के इर्द गिर्द वो उसका रोटेशन है, और उस रोटेशन में वो जो है पूरे रोज में जो है वो अपना रोटेशन उसके पूरा करता है। तो ये जो पूरा की पूरा सिस्टम है जो इस तरह से, तो एक तरह से उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल भी है जिसको आप कहते हैं कशिश जो होती है। इसमें अंसारी साहब ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जी जो बच्चे भी सोच रहे होंगे, शायद उनके लिए थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, तो ऐसे कौन कौन से अल्फाज इस नज्म में हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है? वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, लेकिन गैर मानूस हो सकता है, अगर वो आकर हम उस लफ्ज के इस्तेमाल करते हैं तो वो हम उसके माने आसानी से हम समझ सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी है अल्फाज, जैसे फिजा एक लफ्ज आया है, उस फिजा का मतलब यही है कि मंजर या माहौल की ये बात उसमें की गई है। जैसे इसमें लफ्ज था यहाँ पर
फिजा के हवाले से, उजली फिजा खामोश है, ठंडी हवा खामोश है, उजली फिजा खामोश है, खामोश है सारा जहां, हर एक सदा खामोश है। सदा और फिजा दो लफ्ज ऐसे आए हैं, फिजा का मतलब है माहौल या मंजर से, और सदा के माने हैं आवाज के। अच्छा, तो अभी हमने बात की कि सदा खामोश है, आवाज कैसे खामोश है। जी सर, आपसे एक और मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी। अक्सर देखा है हमने, जब भी शायर कोई शेर पढ़ता है, कोई नज्म लिखता है, अक्सर हमने देखा है चांद, चांदनी, आसमान, हवा, खुशबू, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो क्या ये ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे ही मंजर होते हैं इनसे जुड़े हुए, जिससे, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि अल्फाज जो हैं वो खुद ब खुद शायर के निकल आते हैं और उनकी कलम जो है उन अल्फाजों को गढ़ती चली जाती है, क्या वाकई ऐसा होता है इस तरह के मंजर? हर लफ्ज के अपने अपने माने हैं, और ये जो इस तरह के अल्फाज जिनका आपने नाम लिया इसम यानी नाउन आप कह सकते हैं, जी इनकी अपनी खूबियां हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ चांद की ही बात करें तो बेशुमार खूबियां हैं, चांदनी की बात करें तो बेशुमार खूबियां हैं। चांद की जहां तक बात है, चांद एक तो खूबसूरती, दूसरी चीज है उसका जो रोशन नजारा है, मध्यम रोशनी, दोनों की वजह से कसरत से उसका इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो रोशनी हमें सूरज से हासिल होती है या दिन के वक्त जो रोशनी होती है, और जो चांद, हालांकि वो सूरज की ही रोशनी का अक्स है चांद पर पड़ता है, वो फिर रिफ्लेक्शन, लेकिन दोनों की मायने अलग अलग, लेकिन दोनों की कैफियत अलग है। कैफियत अलग। सूरज दिन हम तसव्वुर करते हैं कि काम करने में और इस तरह से अपनी जिंदगी के जो तमाम जरूरियात है उनको पूरा करने में करते हैं, रात के वक्त जो है वो थोड़ा सा इत्मीनान या इस तरह से जो है एक सुकून सी ये बात करते हैं, सोने के लिए हम करते हैं, तो और रात का मंजर जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। रात का मंजर कहीं ना कहीं दिल को सुकून और देता उसमें है। एक वो जो तपिश है जो सूरज की रोशनी में है वो चांद की उसमें नजर नहीं आती, इसीलिए। दूसरी चीज ये आपने देखा होगा कि सूरज जो है वो अपने एक पूरे आबोताब के साथ आता है, लेकिन चांद की अलग अलग कैफियतें हैं, है ना। अमावस की रात भी होती है, फिर दरमियान में छोटा सा चांद नजर आएगा, ईद का चांद भी होता है जो बहुत ही हल्का होता है, फिर आपका चौदहवीं का चांद है, तो अलग अलग उसकी जो सूरतें हैं वो एक अलग अंदाज लिए हुए हैं। चौदहवीं का चांद यानी जब चांद पूरा होता है, अपने उरूज पे होता है, चौदहवें रोज जो होता है वो चांद एक अलग होता है। पहले रोज का चांद बहुत ही बारीक हल्की सी लकीर सी नजर आती है, तो इसीलिए उसको कहते हैं ईद का चांद है। तो ये इस तरह की जो कैफियतें हैं वो एक अलग माने रखती हैं, जिसकी वजह से, और चांद के लिए ही अपने दोस्त अपने महबूब से उसकी मुशाबियत भी दी जाती है इन्हीं खूबियों की वजह से, ये है। तो ये तमाम चीजें जो है वो चांद की खूबी। दूसरी चीज ये है कि एक ग्रेविटेशनल पुल की तो बात है ही है, आपने पढ़ा होगा कि समुंदर में ज्वारभाटा आता है क्यों आता है, वो इसी वजह से ही आता है कि जिस जो हिस्सा चांद के और जमीन के करीब होगा उतने ही वो ज्वारभाटा, और जो हिस्सा दूर होगा उतना ही वो पानी सतह पे नीचे चला जाएगा, यानी जो भाटा, ज्वार और भाटा मुद्द जजर जिसको आप कहेंगे, बिल्कुल। तो ये एक सबसे बड़ी खूबी है। दूसरी चीज ये कि इस चांद की जो रोशनी होती है उसमें अलग अलग मंजर आप देख सकते हैं। अगर आप समंदर के किनारे जा रहे हो तो एक अलग कैफियत होगी, सिर्फ समंदर का जो पानी है, जो उसकी लहरें हैं, उसका शोर, और वो शोर नागवार नहीं लगेगा आपको, एक अलग ही जो है समा बांध देता है। अगर आप पहाड़ों के दरमियान है तो वो एक अलग जो है उसकी कैफियत होती है। रेगिस्तान में अगर है तो आप देखते हैं कि जो रेत ठंडी है वो किस कदर शाम के वक्त ठंड, दिन में जो गर्म होती है रात को उसी कदर ठंडी होती है, तो सफर करने में आसानी। तो ये तमाम चीजें जो है वो इससे हिस्सा होती है। बहुत, बहुत इसी तरह से हवा के ताल्लुक है, इसी तरह खुशबू का ताल्लुक है, इनकी खूबियों की वजह से इसको शायरों ने अपनी शायरी में मौजूआत अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया। अच्छा, अगर इस नज्म की बात करें, इस पार्ट की बात करें, इसकी हेल्प से, इसकी मदद से कैसे हम जो भाषा है उसको सीख सकते हैं, कैसे इसको? दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये कि नज्म में जो मौजू है उसको किस तरह से पेश किया गया है, यानी वो मौजू
जो है वो सिर्फ उस कैफियत को जाहिर कर रहा है जो हमें उस वक्त को देखकर हमारे अंदर जो कैफियत होती है या हमारा जो ख्याल, तो ये इजहार का जो हमारा अंदाज है उसको बयान किया गया। पहली चीज तो ये कि किस तरह से हम अपनी बात को या अपने जज्बात अपने ख्यालात को पेश कर सकते, चाहे वो नज्म में करे या किसी और शक्ल में करे। अगर नज्म में हम करते हैं तो किस तरह से करें। बहुत से लोगों ने इस मौजू पर बात की, इकबाल की नज्म है एक शाम, उसमें भी जो है इसी तरह से तमाम पहलुओं को, लेकिन उनका अंदाज अलग है। तो ये अलग अलग तरीके से जो अंदाज है इजहार का वो हमारे सामने आता है और वो हमें नजर आता है। दूसरी चीज ये कि लफ्जियात कौन कौन सी इस्तेमाल की है, लफ्जियात से मुराद अल्फाज कौन कौन से इसमें इस्तेमाल हुए, तो वो अल्फाज को सीखने और उनका इस्तेमाल करने में हमें बहुत मदद मिलती है। इसमें जिक्र हुआ है सदा का, इसमें जिक्र हुआ है लहर का, इसमें पानी का जिक्र हुआ है, इसमें चांद के अलावा बदली का भी जिक्र हुआ, यानी ये जो लफ्जियात है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि अल्फाज के इस्तेमाल को तरीका क्या है, यानी लफ्ज है, क्योंकि हर लफ्ज जो है वो अपने सियाक में कॉन्टेक्स्ट में ही अपने माने देता है, तो वो हम किस तरह से उस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं इसमें ये तमाम चीजें। तो आपके जो महारतें हैं उन तमाम चारों महारतों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, हम अपनी जबान को सीख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें इसमें और इसी के साथ मशकें दी हुई हैं। उन मशकों में भी गौर व फिक्र के लिए बाज एक सवाल किए गए हैं कि किस तरह से जो है इस नज्म से सवाल किए जा सकते, कुछ मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, वो मुहावरे उस पर भी गौर करने की बात है। जैसे हम कहते हैं कि चांदनी में नहाना तो एक मुहावरा है, लेकिन यहाँ पे चांदनी का दरिया की लहरों को नहलाना वो एक अलग तरीका है। वो देखिए अल्फाज का इस्तेमाल कैसे, चांदनी में नहाना एक आमतौर पर हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह से है, लेकिन दरिया की लहरों को चांदनी लहरा नहला रही हो वो एक अलग अंदाज है बयान का। हालांकि सीधी सीधी बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि चांदनी उसको। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए अंसारी साहब कि शब्द जो हैं, जो हमारे अल्फाज हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का अगर तरीका सही हो तो फिर किसी नज्म को बनने में वक्त नहीं लगता है। बिल्कुल। बहरहाल हम अपने जितने भी इस वक्त जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तमाम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगर आपके दिलो दिमाग में आपके जहन में कई ऐसे सवाल आते हैं जो आ रहे हैं, तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक आप हमसे उसका उत्तर पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपके सामने एक टेलीफोन नंबर है। आप इस नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर 8800440559 है। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल के माध्यम से भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, इस नज्म से जुड़ा कुछ पूछना चाहते हैं या फिर इससे इतर भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें बिल्कुल मेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी है dth.class5@ciet.nic.in। तो यहां आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल समय चूंकि बहुत ही कम रह गया है, अब अंसारी साहब समय हमारे पास बहुत ही कम है। देखिए घड़ी की सुइयां टिक टिक कर हमें बताती रहती हैं कि देखिए अब हमें इजाजत लेनी है, अब वक्त आ गया है, लेकिन अभी जो थोड़ी सी जो अभी वक्त बचा है हमारे, जो थोड़े से पल बचे हैं, कुल मिलाकर ओवरऑल आप सभी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए दो बातें हैं इसमें। पहली चीज तो ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा जी। पढ़ने से मुराद ये कि जो मतन मौजूद है, जो टेक्स्ट हमारे सामने है, हमें उसको पढ़ना होगा, और न सिर्फ पढ़ना होगा बल्कि उसको बगौर पढ़ना होगा। बगौर से मतलब ये कि उसके अलग अलग माने, आप जितनी मर्तबा इस नज्म को पढ़ेंगे आपको नए नए पहलू नजर आएंगे। तो ये जो चीज है बार बार पढ़ने की और बार बार उस पर गौर करने की, वो खासी अहमियत रखती है। ये आपके मुताले में, आपके पढ़ने की सलाहियत के, आपके अपने समझने की सलाहियत, गौर और फिक्र की आदत को फरोग देती है। दूसरी चीज ये है कि आप जिस तरह से चीजों को कबूल करते हैं उसका इजहार करने के, इजहार आप तहरीरी तौर पर भी करते हैं, जुबानी तौर पर भी करते हैं, और दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं और करना चाहिए। इस नज्म को पढ़ने के बाद कोई अलग पहलू आपको नजर आता है चांदनी के हवाले से, तो वो आप उसको सामने रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत जल्दी से मैं एक बात कहूंगा, जो ये है चांद के बारे में है ना, कि पानी में जिस तरह से होता है फिर मुद्दजर होता है, तो उसके बहुत खूबसूरत शेर जो है मुनीर नियाजी का जहन में है वो ये कि अपनी ही तेग अदा से आप
घायल हो गया। तेग अदा यानी अदा की तेग, तेग कहते हैं खंजर और उसको कहेंगे, जो तेग है अपनी ही तेग अदा से आप घायल हो गया, चांद ने पानी में देखा और पागल हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे अशआर हैं। देखिए अंसारी साहब, मन तो कर रहा है कि ये जो आज का हमारा सेशन है ना, ये खत्म ही ना हो। आपसे बहुत सी नज्म हम यूं ही सुनते रहे लेकिन मजबूरी है, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन अगले सेशन में फिर से कभी जुड़ना हो आपसे और आपकी नज्म के साथ हम फिर से जुड़ना चाहेंगे। और हम अपने सभी जो बच्चे हैं, जो दर्शक हैं, खासतौर पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे आप हमसे जुड़े रहिए और आप हमें मेल और फोन करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपके जहन में बहुत सारे इस वक्त सवालात होंगे, आप उसके लिए आप हमें कॉल और मेल जरूर करिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आप जुड़े आज, बहुत कीमती वक्त आपने हमें अपना दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम पीएमई विद्या चैनल में आज के सेशन में इजाजत लेना चाहेंगे आपसे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीएमई विद्या चैनल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।